हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल टेक्निकल निखिल। तो दोस्तों, आपको लगाना है आपके घर में इन्वर्टर की बैटरी और आपको पता नहीं कि उसका आपके घर का वोल्टेज वेटेज कितना है, तो आप उसका वेटेज निकाल के एक बैटरी कैसे पता करेंगे कि आपके घर का जो वेटेज है, जैसे आपके घर में टीवी या फिर फैन है या फिर पीसी है, लैपटॉप है, तो उसका वेटेज आप कैसे निकालेंगे और वेटेज निकालने के बाद में कितनी एम्पियर की बैटरी आपके घर में सुटेबल है, कितने एम्पियर की बैटरी आपके घर में लगानी चाहिए, तो आप कैसे पता करेंगे, सारी बातें स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। मैं हूँ निखिल और टेक्निकल निखिल में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे और जानते हैं। तो फ्रेंड, हम फाइंड आउट करेंगे कि आपके घर में कितना आपको लोड देना है और वो लोड के हिसाब से आपके घर में कितने एज की बैटरी लगेंगी। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कैलकुलेशन करके, आपके घर में दो लैपटॉप आपको चलाने हैं, दो पीसी आपको चलाना है, एक टीवी आपको चलाना है, दो सीएफएल है और दो फैन है। तो लाइट जाने के बाद में इतना लोड आपको चलाना है और आपको चाहिए 2 घंटे का बैकअप। तो ये हिसाब से हम पहले वैटेज निकाल लेंगे और उसके बाद में बैटरी फाइंड आउट करेंगे कि कितने एज की बैटरी आपको लगेंगी। तो दोस्तों, लैपटॉप का वैटेज, वैसे तो लैपटॉप में पहले से बैटरी होती है, तो बैटरी चार्ज होकर लैपटॉप में पावर आता है, तो हिसाब से इसका हम वैटेज पकड़ लेते हैं 150 वैट। एक पीसी का होता है 200 वैट, टीवी का दोस्तों 100 वैट, सीएफएल 20 वैट का होता है और फैन होता है दोस्तों 75 का। सब में इंटू 2 कर लीजिए, इसमें 1 इंटू 2, कैलकुलेशन हो गया है 300 वैट, ये 400 वैट, ये 100 वैट, ये 40 और ये 150। तो दोस्तों, इसका कैलकुलेशन लगा लीजिए। तो दोस्तों, इसका कैलकुलेशन होता है 990 वैट। दोस्तों, ये हो गया टोटल 990 वैट का कैलकुलेशन। तो इतना आपके अप्लायंस के हिसाब से 990 वैट हो गया है। पर दोस्तों, आपको इसमें ऐड करना है 25%। मतलब मान लीजिए कभी आपके घर की लाइट चली गई, तो मान लीजिए कभी कभी वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता रहता है, कम ज्यादा होता रहता है, तो हमको एक सेफ्टी फैक्टर लेके 25% इसमें ऐड करना होता है। आप डायरेक्ट 990 में 25% ऐड कर लीजिए, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट कर लीजिए 1.25। तो दोस्तों, 1.25 ये कॉमन है, मतलब 25% का ही 1.25 करेंगे तो आ जाएगा। तो 990 में आपको करना है 1.25 इंटू, तो दोस्तों ये होता है 1027.5। तो ये हो गया वेटेज। और दोस्तों, इसमें अभी आपको निकालना है पावर फैक्टर, मतलब इसमें आपको ऐड करना है पावर फैक्टर। आपको आपके घर का पावर फैक्टर पता होना जरूरी है, या फिर पावर फैक्टर होता है कॉमन 0.8। तो दोस्तों, टोटल लोड जो हो गया इसमें हम ऐड करेंगे 0.8, इसमें डिवाइड करेंगे, तो ये होता है 1074। तो दोस्तों, फाइनल लोड हो गया आपका 1074, ये हो गया आपका टोटल फाइनल वैटेज। तो दोस्तों, अभी वैटेज के हिसाब से हम बैटरी फाइंड आउट करेंगे। दोस्तों, बैटरी एएच एम्पियर आवर के हिसाब से होती है। तो दोस्तों, इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले लोड इनटू बैकअप डिवाइड बाय वोल्टेज। दोस्तों, लोड हमारा हो गया है 1074, इनटू बैकअप हमको चाहिए 2 घंटा, और वोल्टेज होता है 12, मतलब 12 वोल्ट की बैटरी होती है, तो 12 वोल्ट उसका वोल्टेज हमको यहाँ पे लेना है। तो दोस्तों, 1024 इंटू 2, ये होता है 2148 डिवाइड बाय 12, तो ये हो गया 179। मतलब दोस्तों, ये हो गया 179 AH। मतलब दोस्तों, ये लोड के हिसाब से 2 घंटे के बैकअप के हिसाब से आपको 179 AH, मतलब 179 AH की बैटरी नहीं आती, तो आपको लेना होगा 180 AH की बैटरी, या फिर आप 200 AH की भी बैटरी ले सकते हैं। मार्केट में दोस्तों 80 एम्पीयर से 200 एम्पीयर तक की बैटरी अवेलेबल है। आप इसमें 150 AH की भी ले सकते हैं, पर इसमें आपको थोड़ा बैकअप कम मिलेगा। आपको एग्जैक्ट बैकअप चाहिए होगा तो आप 2 घंटे का बैकअप ले सकते हैं, मतलब दो, तो आप 180 AH की बैटरी ले सकते हैं, 200 AH की बैटरी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो में हमने जाना कि अप्लायंसेस के हिसाब से सबसे पहले हमने लोड निकाला है। तो ये हो गया हमारा टोटल लोड। टोटल लोड के हिसाब से दोस्तों, यहाँ पे जो लोड निकला उसमें हमने 2.25% ऐड करा है। ऐड करने के बाद में पावर फैक्टर हमने इसमें डिवाइड किया है। पावर फैक्टर डिवाइड करने के बाद में ये हमको टोटल लोड मिला है। टोटल लोड निकालने के बाद में हमने बैटरी फाइंड आउट करी है। तो दोस्तों, बैटरी फाइंड आउट हिसाब से हो गई है।
तो दोस्तों आई होप मैंने जो बातें आपको बताने की कोशिश करी है आप इजीली समझ गए होंगे। दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि हम लोड के हिसाब से हम एक इन्वर्टर कौन सा खरीदे, मतलब जो हमने लोड निकाला है वो हिसाब से हम इन्वर्टर कौन सा खरीदना चाहिए, कितना VA का इन्वर्टर हमको खरीदना चाहिए, तो वो हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और कोई सवाल होगा आपको तो मुझे सवाल कमेंट करिए, उसका आंसर दे दूंगा या उसके अगेंस्ट में हम कोई नया वीडियो ला लेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि मिलते रहे उनको भी ऐसे लेटेस्ट वीडियोस। और दोस्तों आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको भी ऐसे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। दोस्तों हंसते रहिए, खुश रहिए, मिलते ऐसे किसी नए वीडियो के साथ में, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।